नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और कामना करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज मैं आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही प्राकृतिक, नेचुरल और तेजी से असर दिखाने वाला होम रेमेडी लेकर के आया हूं, जिसके इस्तेमाल से आप अपने चेहरे के ऊपर आए हुए कालेपन को, दाग धब्बों को मिटाकर अपने चेहरे को बेहद गोरा, साफ और निखरा हुआ बना पाएंगे। दोस्तों, इस रेमेडी में मैं सिर्फ चार चीज़ों का इस्तेमाल करूंगा। दो चीज़ें आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं और दो चीज़ें हैं। इन चार चीज़ों के इस्तेमाल से यह रेमेडी बनेगी और यह घरेलू उपचार इतना बेहतरीन है दोस्तों कि जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आप लोगों को 3 से 4 दिनों में ही इसका असर आपके चेहरे के ऊपर दिखने लगेगा। दोस्तों, सबसे अच्छी बात है इस रेमेडी की कि यह बिल्कुल नेचुरल है और प्राकृतिक है। बिल्कुल प्राकृतिक और नेचुरल चीज़ों का मैं इसमें इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि कई बार बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये बात कही थी कि सर, हम बहुत तरह के क्रीम्स, फेयरनेस प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं लेकिन हमको फ़ायदा नहीं होता। और अक्सर दोस्तों, कई बार आपने देखा होगा कि चेहरे को साफ करने के लिए या दाग धब्बों को मिटाने के लिए लोग बहुत तरह के मार्केट से ख़रीद कर चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, जिनसे उनको चेहरे पर दाने तक निकल आते हैं। लेकिन यह जो रेमेडी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, यह बिल्कुल सरल है, बिल्कुल सात्विक है, बिल्कुल निरापद है। इससे आपको फ़ायदा ही होगा और चेहरे के ऊपर जो कालापन है, चाहे वो धूप की वजह से हो, प्रदूषण की वजह से हो या पौष्टिकता की कमी की वजह से हो, किसी भी कारण से अगर आपके चेहरे के ऊपर जो निखार है वो गायब हो चुकी है, तो उसे वापस लाने के लिए यह बहुत ही फ़ायदेमंद है। चेहरे को साफ करने के लिए यह बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। दोस्तों, बात गोरेपन या कालेपन की नहीं है, बात गोरे या काले की नहीं है। ज़रूरी यह है कि आपके चेहरे पर दाग धब्बे न हो, निशान न हो। अगर किसी कारण से आपके चेहरे के ऊपर एक कालापन आ चुका है, गंदगी जमी हुई है, उसे उखाड़ कर फेंकना, आपका चेहरा जैसा भी है उसे साफ रखना, उसे सौंदर्यवान रखना, उसकी केयर करना, ये ज़्यादा ज़रूरी है। तो यही इस रेमेडी मैं आप लोगों को बताऊँगा। और लड़के लड़कियाँ, इस वीडियो को एक बार अंतिम तक ज़रूर देखिएगा, यह आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है, फ़ायदेमंद है। चेहरे को फेयर करने के साथ साथ यह दाग धब्बों पर भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम करेगा। और जिन लड़के लड़कियों के पास उतने पैसे नहीं जो महंगे महंगे चीज़ों पर खर्च कर सकें, जो चाहते हैं कि बिल्कुल सस्ते और बिल्कुल नेचुरल और घरेलू तरीके से वो अपनी स्किन को एक फेयरनेस दे सकें, उनके लिए भी यह रेमेडी बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है, फ़ायदेमंद है। दोस्तों, इस नुस्खे में जो सबसे पहली चीज़ आपको दोस्तों लेनी है, वो लेनी है दोस्तों लगभग आधा चम्मच शहद, ठीक है। आधा चम्मच आपको हनी लेनी है। दोस्तों, शहद के अंदर ऐसे गुण पाए जाते हैं जो आपकी स्किन को काफ़ी टोन करते हैं, काफ़ी नरिश करते हैं और स्किन के पोर्स में जाकर डेड सेल्स को रिमूव करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो पहली चीज़ दोस्तों आपको लेनी है शहद, ठीक है। शहद आप कोशिश कीजिएगा कि बिल्कुल शुद्ध शहद लें, प्योर शहद लें। हनी जितना प्योर होगा वो उतना ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा और आपके चेहरे पर उतना ही ज़्यादा निखार लाने में आपकी मदद करेगा, ठीक है दोस्तों। पहली चीज़ आपने ले ली शहद। उसके बाद दोस्तों, जो आपको इसमें दूसरी चीज़ लेनी है वो लेनी है रोज़ वाटर, जिसे हम कहते हैं गुलाब जल। दोस्तों, गुलाब जल भी आपको बड़ी ही आसानी से मार्केट में मिल जाएगा, किसी भी अच्छे ब्रांड का गुलाब जल लें। और लगभग आधा चम्मच आपको गुलाब जल शहद में आपको गुलाब जल मिला देना है। आधे चम्मच से लेकर 1 चम्मच तक आप गुलाब जल का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, रोज़ वाटर के अंदर ऐसे गुण पाए जाते हैं जो स्किन को काफ़ी पोषण देते हैं और स्किन की जो खोई हुई चमक है उसे वापस लाने के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होता है। स्किन को फेयर करने के लिए, साफ करने के लिए गुलाब जल बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होता है। तो दोस्तों, आप आधे चम्मच से लेकर 1 चम्मच तक गुलाब जल का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं, आप गुलाब जल ले लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों, जो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं ये जो हरी वाली चीज़ है दोस्तों, ये एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर बहुत सारे स्किन बेनिफिट्स पाए जाते हैं और यह आपको हर एक तरीके से फ़ायदा पहुंचाता है। इसे हम कहते हैं दोस्तों
एलोवेरा। तो ये बिल्कुल नेचुरल एलोवेरा मैंने यहाँ पर लिया है, आप भी कोशिश कीजिएगा कि आप बिल्कुल नेचुरल और प्राकृतिक एलोवेरा लें, और जो आप इसका गूदा देख रहे हैं, जो इसका जेल देख रहे हैं, इसे आप निकाल लें। लगभग एक चम्मच के आसपास दोस्तों आप एलोवेरा का जेल निकाल लें। कोशिश करें दोस्तों जैसा आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं बिल्कुल वैसा ही एलोवेरा लें, क्योंकि जितना नेचुरल होगा वो उतना ही ज़्यादा फ़ायदा करेगा। अगर आपको नेचुरल ना मिले तो आप बाज़ार से लेकर के भी एलोवेरा जेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको एक चम्मच दोस्तों एलोवेरा का जेल, एलोवेरा का गूदा लेना है। एलोवेरा के अंदर ऐसे गुण पाए जाते हैं जो स्किन को रिंकल से बचाते हैं, स्किन को टैनिंग से बचाते हैं, स्किन को टोन करते हैं, स्किन को लाइटन और ब्राइटन करते हैं, स्किन के ऊपर दाग धब्बों को मिटाकर चेहरे को साफ करने के लिए दोस्तों एलोवेरा अपने आप में एक बहुत ही बेजोड़ औषधि है। दोस्तों ये सारी चीज़ जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें बिल्कुल प्राकृतिक है और बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम खर्च में आपको घर पर आसानी से मिल जाएंगी। दोस्तों वीडियो अच्छा लगेगा तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के निशान को ज़रूर दबाइएगा। अब दोस्तों ये जो आप लोग आखिरी चीज़ देख रहे हैं, ये एक ऐसी चीज़ है जो आपकी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। इसकी सबसे अच्छी बात है दोस्तों कि यह स्किन को साफ करने के साथ साथ आपकी स्किन को काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिशन और पोषण भी देगा, क्योंकि दोस्तों कई बार सिर्फ दाग धब्बों को हटाना, मैल को हटाना, गंदगी को साफ कर लेने से काम नहीं चलता। जब तक आप अपनी स्किन को पूरा पोषण और न्यूट्रिशन नहीं देंगे तब तक वो निखार शायद आपको ना मिले। तो यह चेहरे के ऊपर एक बहुत ही बेहतरीन सौंदर्य, एक गोरापन, एक निखार लाने के लिए यह सफ़ेद पाउडर जो आप देख रहे हैं ये बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। ये भी दोस्तों आपको आसानी से मार्केट में मिल जाएगा, बहुत ही कम पैसों में आपको मिल जाएगा। और ये है दोस्तों मिल्क पाउडर, ठीक है, दूध का जो है पाउडर है। तो अच्छी कंपनी का, बहुत सारी अच्छी कंपनियाँ हैं जो मिल्क पाउडर बनाती हैं, किसी भी अच्छी कंपनी का दोस्तों आप मिल्क पाउडर जो है वो ले लें। और इस मिल्क पाउडर को दोस्तों आपको एक चम्मच लेना है, ठीक है, एक चम्मच ले लें। और इन सब को दोस्तों आप लोग आपस में मिक्स कर लें। जो मैंने बताया आपको, जो हनी है, शहद, गुलाब जल, एलोवेरा जेल और ये मिल्क पाउडर, इन सबको आपस में दोस्तों मिक्स करके एक पेस्ट बना लें। वो पेस्ट बहुत ज़्यादा थिक ना हो, बहुत ज़्यादा पतला ना हो, एक अच्छा एक पेस्ट बना लें और उस पेस्ट को अपने चेहरे पर लगाएं, ठीक है, उसे अपने चेहरे पर लगाएं। और दिन में एक बार आप अपने चेहरे पर लगाएं, जब भी आपको मौका मिले आधे घंटे तक रखें, आधे घंटे के बाद आप उसे धो लें। हर दिन आप इसका प्रयोग करो दोस्तों, आप पाएंगे कि आपका चेहरा बहुत ही फेयर और साफ़ सुथरा हो जाएगा।